हेलो नमस्ते फ्रेंड, प्रियंका कुमारी चौरानवे किचन में आपका स्वागत है। देखिए, आपके लिए बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता लेकर आए हैं। अगर वीडियो पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और आप भी यह नाश्ता बनाकर कहीं आपके घर मेहमान वेहमान आए हो तो बनाकर ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता है। हमने दो कटोरा मैदा ले लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और क्रश करके जवाइन। अब इसको हम गुनगुने पानी से, फ्रेंड हम इसे गुनगुने पानी से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसका एक अच्छी तरह ढो बना लेंगे, बहुत ही सॉफ्ट ढो बनकर तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होगा फ्रेंड। गुनगुने पानी गूंथने से आटा बहुत ही अच्छा से गुथा जाता है। इसे अब हम ढक देंगे। अब चलते हैं, इसे ढककर हटा देंगे। अब चलते हैं गैस। चलिए, हमने गैस पे पैन चढ़ा दिया है, इसे मसाला बना लेते हैं। इसमें स्टफरी जो भराएगा उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल रखेंगे, छोटे स्पून से एक चम्मच तेल रखे हैं। थोड़ा सा जीरा, हरा जीरा, दो कटी हुई हरी मिर्च, आधा कटा हुआ बारीक प्याज। अब इसे चला लेंगे। अब इसमें थोड़ा बेसन मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा आधा हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा सा ही तलेंगे तेल और इसे थोड़ा भूनेंगे। स्वाद अनुसार नमक, फ्रेंड दो उबले, फ्रेंड दो उबले हुए आलू रख दिए हैं, जिसे मिला लेंगे। फ्रेंड ये पक चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा प्याज फिर से कटा हुआ डाल देंगे। फ्रेंड थोड़ा मूंगफली दाना और किशमिश है, इसे भी डाल दिए हैं भून कर। इसका छिलका उतार लिए थे, अब इसे भी डाल देंगे, जिससे स्टफरी बहुत अच्छी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी और हमारा नाश्ता भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। फ्रेंड अब ये बनकर तैयार है। अब इसे हम एक बर्तन में, देखिए ढक्कन हम हटा लेंगे। अब इसका चलते हैं बनाने। अब फ्रेंड इस तरह से एक लोइया निकालेंगे, छोटी छोटी लोइया, और इसमें अब इसको इस तरह से ले लेंगे। और इसको इस तरह दबा दबा कर इसको अच्छी तरह से इसी तरह से बना लेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होगा फ्रेंड। फ्रेंड सभी को इसी तरह से बना लेंगे और इसी तरह से स्टेप मसाले भर कर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड सब बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए अब इसको हम हल्के हाथों से बेल लेंगे, थोड़ा सा हल्के हाथों से इस तरह से बेल लेंगे। तेल गर्म हो गई है फ्रेंड। अब इसमें हम एक एक करके डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी और अच्छा नाश्ता बनकर तैयार होगा। कितना खिला खिला बनकर तैयार है। इसको सुनहरे होने तक इसे तल लेंगे पलटते पलटते। देखिए फ्रेंड इसका कितना अच्छा कलर खिल कर आ गया है। अब इसे हम निकाल लें। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा तल के तैयार हो गया है। इसी तरह दूसरे बैच भी हम निकाल लेंगे। इसी तरह फ्राई कर, मतलब डीप फ्राई करके फ्रेंड बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा टेस्टी नाश्ता है। आवाज